लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ कर तो नहीं रहे हो, इसको उठाकर रखो ना। तू भी तो कोई काम नहीं कर रहा है, तुझे भी उठाकर रखूं क्या? जाकर मेरे पिता को पूछो। मैंने तुझसे कुछ ऐसा पूछा था क्या? बोला सामान तो पहले रख दे। हाँ तो भैया, ये ट्रेन आपके गांव कब तक पहुँचेगी? पटरी को पूछना पड़ेगा। एक काम कर, पटरी पर सर रख के पूछ के आना। सुनिए, कल शाम 4 बजे तक पहुँच जाएगी चेन्नई। अच्छा, आप लोग मुंबई घूमने गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो सामना की प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। अरे मेरा एक रिश्तेदार मुंबई में रहता है, उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आ रहा है ना। इसका किसके नसीब में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी किस्मत वाली है कि हमारे रिश्तेदार में ही रिश्ता हो रहा है उसका। अच्छा बेटी, आप अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी या फिर अपनी पसंद से शादी करना पसंद करेंगी? मुझे अभी पता नहीं। अरे सुनो भाई, तुम मुंबई से हो क्या? नहीं सर, मैं चेन्नई से हूँ। हायर स्टडी के लिए अमेरिकन कैंपस में इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा हूँ। ओहो, फिर पढ़ाई पूरी होते ही काम और काम मिलते ही शादी, ऐसा कहिए ना। मुझे नहीं पता। अरे क्या है भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम अकेले ही गाना सुन रहे हो। अगर इसे निकाल दो तो हम लोग भी गाना सुन लेंगे। अरे नहीं, मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा हूँ। 2 बॉल में 8 रन बनाएंगे तो इंडिया जीत जाएगी। पैसा लेकर जुआ खेलते हैं, वही खेलना। किसी एक की गलती की वजह से पूरी टीम को गलत मत समझिए। सर मैं नहीं, पूरी दुनिया गलत बोल रही है। पूरी दुनिया गलत बोल सकती है, लेकिन तू गलत मत बोल। यस यस यस। अरे
टिकट प्लीज। सॉरी। रास्ते में इनके भी रिश्तेदारों को मिलकर जाना है। बेटा फिर मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। जरूर। बहुत अच्छा रहा सफर। चलते हैं। चलो बेटा। चाहो तो इनके साथ चले जाओ ना। तुझे लगेज के डिब्बे में रख के आना चाहिए था, अपने साथ लाकर गलती की। ए, इसे नीचे रखना बेवकूफ, नीचे रखना। हर 5 मिनट में मार खाता रहता। चलो ना पापा। अरे पानी आ ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? Thank you.
ये अंगूठी किसकी है? आपकी है क्या? अरे ये अंगूठी आप में से किसी की है? की है? आप जैसे यंग लोग आसानी से ये सब चीजें मिस कर देते हैं। अगर ये किसी और को मिल जाता तो आपको ये बिल्कुल नहीं मिलती। जी सर, सही कहा। ये चेन्नई कब तक पहुंचेगी? 4:30 बजे। अरे बस 2 घंटे बचे हैं। ये गुस्से में भी खूबसूरत लगती है और हंसती है तो भी खूबसूरत लगती है। जब भी देखता हूँ तो मन करता है बस देखता ही रहूं। ये मुझे क्या हो गया है? बस उसे ही देखते रहने का मन कर रहा है। ठीक है, कुछ बात करके देखूंगी। मैं उसे लाइन मार रहा हूँ, सोचकर गलत तो नहीं समझ लेगी? छे, नहीं नहीं, उसको देखना नहीं है। अगर मैं पहले बात करूँ तो कहीं गलत ना समझे। चाहे गाली दे दे, स्टेशन आने से पहले कुछ तो बात कर लूंगा। अब नहीं, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे स्टेशन आ गया, जल्दी उतर यार। हाँ, एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटेंगे। देर में स्टेशन आ जाएगा। हाँ, ये जाने कैसे खत्म हो गई पता ही नहीं चला। सच में आप चेन्नई में कहाँ रहती हैं? पता नहीं, मेरे भैया एक पुलिस ऑफिसर हैं। एक हफ्ते पहले ही उनका ट्रांसफर हुआ है। वैसे मेरे घर वाले मुझसे पहले ही पहुँच गए हैं। मुझे स्कूल से टीसी मिलने में लेट हो गया, अभी मुझे एक नया कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। वैसे आप क्या करते हैं? मैं डिग्री फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होते ही अमेरिका में मास्टर शेफ के लिए इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा हूँ। तो फिर आप फॉरेन में सेटल होने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की इसलिए मैं इंटरव्यू अटेंड करके आया। अपने परिवार को छोड़कर इतने दूर जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। हाँ, अपने लोगों को छोड़कर कहीं दूर जाना मुझे भी पसंद नहीं है। हम दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है ना? हाँ। तो बिना बताए इतनी जल्दी क्यों आई? पहले बताना चाहिए था ना, एक फोन कर दिया होता तो। इतना स्लो क्यों चल रही है, जरा फास्ट चल। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी चल। भैया शायद मेरी रिंग वहाँ है। ए, अभी आती हूँ। प्रीति।
अरे तू क्या देख रहा है बेटा? वही देख रहा हूँ। तो इसमें नया क्या है? कुछ नहीं, नेशनल ज्योग्राफी में कुछ नया देख रहा हूँ। उसमें वही पुराना दिखाते रहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, तभी तो साइंस नॉलेज बढ़ेगा ना। वेरी गुड, तू मेरा नाम रोशन करेगा। अब तू एक काम करना, हमेशा इसी चैनल को देखना। हाँ जरूर देखूंगा। ये सब क्या है पापा? आपको आकर एक हफ्ता हो गया, सामान वैसा का वैसा ही पड़ा है। सिर्फ अच्छा घर देख लेने से कुछ नहीं होता, घर में सामान भी तो जमाना होता है कि नहीं? देख बेटी, मैंने तेरी माँ से उसकी मेंटेलिटी जाने बिना शादी की थी। बिल्कुल सही कहा है आपने। भाभी मेरा सारा सामान अब तक बॉक्स में है, बाहर निकाल कर रख सकती थी ना। पापा आप भी कुछ नहीं करते, थोड़ी सी हेल्प कर देते ना। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या ले लिया? पूरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। एक बार मेरा प्रोजेक्ट हिट होने दो, फिर देखना सबसे ज्यादा बिजी आदमी मैं ही होऊंगा। सभी के घर में मेरा प्रोजेक्ट होगा। सुबह 5 बजे सीएम बंदोबस्त के लिए जाना है, आप लोग 4 बजे आ जाना। ओके सर। सर हाँ, ये आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको काफी पसंद आएंगे। सुनिए, अपनी बात आईजी तक पहुँच गई क्या? आप सब जा सकते हैं। सर। भैया आप जब से मिले हो तब से केस के ही पीछे पड़े हुए हो, ऐसा क्या केस है? ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में डॉन था इब्राहिम, यहाँ कौन है? इब्राहिम। ये अब्बा क्या बोल रहा है? चुप रहिए पापा। माँ होती ना तो आप सब सही होते। कहाँ है वो? टीवी में आ रही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, टुडेज टेली शॉपिंग स्पेशल प्रोडक्ट, आपको साफ रखना, सॉरी आपके घर को साफ सुथरा रखना है। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं गोकास वैक्यूम क्लीनर। अगर घर को साफ सुथरा रखना हो तो हर बीवी के पास ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए। और एक जरूरी बात, ये पतियों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि पत्नी के हाथों झाड़ू से मार खाने से आप बच सकते हैं। इसकी कीमत है सिर्फ 3,999 रुपीज ओनली। मार खाए हुए पतियों के लिए तो डिस्काउंट भी है इसमें। देखा ऐश्वर्या राय को, एक ही हफ्ते में अपना मनपसंद काम ढूंढ के रही ना, टीवी में शॉपिंग कर रही है। भाई आजकल तो हर जगह इन्हीं का बोलबाला है, लगता है ये लोग छोटी दुकानों को बंद करवा के रहेंगे। हाँ पापा, आप अपना प्रोडक्ट भी टीवी पर बेच सकते हैं। थैंक यू माय सन, जरा माँ से बात कर लेना मेरे बारे में। ओके। प्लीज अब बस भी कीजिए, देखिए आपके प्रोजेक्ट की वजह से टॉमी अपसेट हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये टॉमी के लिए ही बनाया हुआ टॉयलेट है। करण के कपड़े को हाथ लगाइए। माँ दूध। हाँ ला रही हूँ। कॉफी और पेट्रोल के लिए 100 रुपए भी दो। ठीक है माँ, मुझे भी 200 रुपीज चाहिए। किस किंदा जाना है? कॉलेज से आते वक्त सत्यम थिएटर से स्पाइडरमैन की टिकट लेकर आना, वो फिल्म देखनी है, जिद कर रहा है। चांस ही नहीं है, शाम को कॉलेज में मेरा फुटबॉल प्रैक्टिस है। श्रीधर कॉलेज जाते वक्त रास्ते में लाइट का बिल भर देना। डेफिनेटली माँ। ए मैं बोलती हूँ तो कोई काम नहीं करता है, माँ बोलती है तो करता है। माँ हमेशा फर्स्ट, बाकी सब नेक्स्ट। ये लो माँ। ओके माँ आता हूँ, बाय। एक हफ्ते यहाँ कोई नहीं आया, तुम्हारे आते ही सब आने लगे। टाइम हो गया माँ, बैंक जा रही हूँ। दादी को पप्पी कौन देगा? अरे इतनी दूर से, ए जल्दी आना, बहुत देर हो रही है। यार जल्दी आप। नो नो नो, कैच करो जल्दी, कैच, गो गेट इट। दीदी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, कुछ पैसे वैसे मिलेंगे क्या? ए जाओ अपना काम करो, हम लोगों का काम वही है दीदी। ठीक है बाय। ओके बाय। बाय दीदी, संभल कर जाना। हाँ सुबह मूड होया था या फिर नहीं? वो क्यों? अरे वो कभी मूड होता है क्या? अच्छा हमने कपिल किधर गया? कपिल किसी लड़की को छेड़ रहा होगा। क्या? और क्या, चल देखते हैं। पता नहीं कौन है। Hi handsome, are you racer? Hi. That was great. Will you date me? Are you racer? Which major you are? मैं कौन हूँ ये जानना चाहती हो? अरे ये तो अपने कॉलेज का प्यून कपिल है। छे इसे लाइन मार कर तो अपना टाइम वेस्ट हो गया। Dear youths, ऐसी लड़कियों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल नहीं ये पर्स देखती है, ये कभी प्यार को नहीं देखती, ये सिर्फ कार को देखती है। वैलेंटाइन कार्ड देंगे तो ये कभी लेंगी नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड दिखाया तो भाग कर चली आएंगी। सही बोला भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। पहना है खाकी और इसका लेवल देखो। छे हाई फिगर्स, खाकी कलर इतना गिरा हुआ है क्या तुम्हारा?
एक खाकी कलर पहनकर एक सुपरस्टार बन गया और मैं कपिल खाकी पहनकर एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। हाँ तू होगा, बिल्कुल होगा, तू अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हो सकता है। कौन हो तुम लोग, तुम्हें मैंने पहले कभी देखा? हाँ जरूर देखा होगा। नंद्रा सिग्नल पे खड़ी बाइक को चोरी करके क्यों लाया है? वो क्या है ना, आसपास मैंने देखा कोई नजर नहीं आया तो मैं जल्दी में बाइक लेकर चला। हम लोग एक साइड कलेक्शन में बिजी थे, तू बाइक लेकर क्यों आ गया? बेवजह चिल्लाई मत, अम्मा का फोन आया था अर्जेंटली पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने बाइक उठा ली। अम्मा का? सॉरी सर, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही कहाँ? सर सर, अम्मा को बोलकर मेरा प्रमोशन के लिए बात कीजिए ना। क्यों, आपको लूज मोशन है क्या? अरे सर, वो प्रमोशन के लिए सिफारिश कर रहा है। देखते हैं सर, अभी अम्मा कहाँ पर है? कोयम्बेड बस स्टैंड के ओडीपी होटल में है। लेकिन सर वहाँ पर अम्मा क्या कर रही है? इडली और टमाटर की चटनी खा रही है। टमाटर की चटनी? आप किस अम्मा बात कर रहे हैं? मुझे जिसने जन्म दिया, मैं अपनी माँ मिसेस कल्याणी के बारे में बात कर रहा हूँ। पकड़ो इसे। मैं भागा, मैं भागा, खुद आगे सरेंडर कर दिया। क्या यार, अपने कॉलेज का नया नाम कैसा लगा? आधी फिल्म नोट कर क्यों चला गया? थक गया था यार। मुझे देख कर तुम्हें क्या फील होता है? कुछ फील नहीं होता। मैंने राजेश के साथ घूमना बंद कर दिया। लेकिन है, मैंने हेमा को पटा लिया। तुम लोगों ने इतना खर्चा किया है, हम पर भरोसा नहीं है क्या? अरे भाई पुलिस आ गई, उन्हें कोई केस नहीं मिल रहा है, कहीं हमें उठा कर अंदर तक करते। ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आ जाना। इसे बुलाओ रे। अरे यार, लड़कों के लिए तो मैं स्कीमें स्पेंड कराई थी और ये सब जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। हे उमा, तेरी अटेंडेंस बहुत कम है, 500 रुपए दे दे, मैं खुद ही डाल दूंगा। हे राम, तूने नकल करके जो पेपर लिखा था उसमें से एक पेपर आउट हो गया, 200 रुपए दे, मैं प्रोफेसर को पटा लूंगा। एक कपिल, पुलिस वाला तो एकदम डर कर भाग गया। अच्छा तो ऐसे कितने दिन रहेगा? अरे कितने दिन होगा, घर जाती तो ड्रेस चेंज कर दूंगा। अरे मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, शादी कब करने वाला है? अरे होमली आइटम कोई तो ढूंढ रहा, मिल ही नहीं रही है। मुझे दिखकर होमली आइटम नहीं लगता है? देखते ही तो मुझे रूमली आइटम लगती है। रूमली आइटम इसका मतलब? जो रूम में जाती है उनसे पूछना। क्यों रे चिप्पू, कल वाइन शॉप में दिखाई नहीं दिया? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गया था। पर एक बात बताओ, तू लड़की पटाई कैसे? नेट पर चैटिंग से ऐसे बोल रहा है जैसे जंगल में किसी खरगोश को पकड़ा हो। वैसे लड़की कैसी है? बहुत बड़े घर की है। बहुत बड़ी है, इस साइज की है क्या? इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आती हूँ। एक उसको क्यों छेड़ रहा है यार, वो सिमरन की तरह दिखती है। क्या क्या? वो तो सिमरन की तरह दिखती है। अरे रुक रुक रुक, नो नो नो, आज रात तो मुझे चाहिए। नहीं रुकना। ए जरा इस फोटो को देख, ये ले। मेरे बॉयफ्रेंड को कुंफू, कराटे, स्नेक फाइट, मंकी फाइट सब कुछ आता है और उसे प्यार से मैं चिंगू बुलाती हूँ। बिल्कुल सही नाम रखा है, ये तो दिखने में ही चिंपैंजी जैसा लग रहा है। लाइफ में पहली बार मुझे किसी लड़के से सीरियसली प्यार हुआ है, कोई ऐसा आइडिया दे कि वो मुझे कभी भूल ही ना पाए। अपने नाम के इनिशियल की रिंग उसे गिफ्ट कर दे। हाय, क्या आइडिया है यार, तूने जैसा बोला वैसे ही रिंग मैं उसे दे दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ यार, रिंग देने का मन कर रहा है। बोल क्या चाहिए? तू सिर्फ तेरा पर्स दे दे, उतना ही काफी। वन सेकंड, ए तू जिससे प्यार करता है वो लाइन पे है। लाइन पे रहने वाली लड़की से प्यार करता है? ऐसे बीच में आने की वजह? तुम यहाँ क्या कार से आई हो? वो जो पुलिस वाला था तेरा मामा है ना? नहीं, मेरे भैया हैं। हमें जो लड़के लाइन मारते थे वो तेरी वजह से भाग गए। मैं बस का रूट बताती हूँ, आज के बाद तू मेरे साथ आएगी। आज तक तुमने कितने लड़कों से प्यार किया है? किसी से भी नहीं। ओ तो मेरे टाइप की है, कितने लड़कों के साथ घूमी है? छी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। एटलीस्ट किसी को तो किस किया होगा? नहीं, लेकिन बहुत लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन क्यों? मैं किसी एक को हाँ बोलती ही नहीं, इसलिए सारे के सारे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ से दूसरे स्टॉप पे तेरा घर आ जाएगा, मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी, कैसा लगा मेरा प्लान? थैंक्स। यहाँ से दूसरे स्टॉप पे तेरा घर आ जाएगा, मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी। तो मेरे लिए इतनी दूर तक आई, इसके लिए थैंक्स। सिर्फ तेरे लिए मैं इतनी दूर नहीं आई हूँ, यहाँ से लेफ्ट में लायला कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम खड़े रहते हैं। वो उस बस स्टॉप पे क्यों खड़ा है पता है? वो किसी अच्छी लड़की का वेट कर रहा है। ए, मैं ही तो हूँ वो। वो कॉलेज टाइम पर जाता है या नहीं पता नहीं, लेकिन बस स्टॉप पे टाइम से आ जाता है। वो लव करता है या नहीं ये पूछने वाली हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या पता यार, रात को कोई टीवी सीरियल देखकर मेंटल होकर अपनी आदत बदलकर कॉलेज चला गया तो फिर मैं उसको कहाँ ढूंढूंगी। इसीलिए ऐसा लड़का मिल जाए तो लाइफ में कभी मिस नहीं करना चाहिए। ओके बाय।
कॉलेज ढूंढना है। फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। आप उतरने वाली हो क्या? अरे भाई ड्यूटी पर ध्यान दो। कपिल कपिल, हाँ बोला, मुझे बाथरूम जाना है, तू कंपनी देगा क्या? छी, बाथरूम जाने के लिए भी कंपनी मांग रहा है? ऐसा कर कर के ही तो अपना यूथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके लिए तू अभी क्या करने वाला है? स्नगीज यूज करो। ऐ चल यार, फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल कोई बहुत बड़ा गेम है क्या? 10 लोग एक बॉल का पीछा कर रहे हैं और 10 लोग उसे रोक रहे हैं। मैं रूल्स को बदलने की सोच रहा हूँ। सब लोग एक एक बॉल लेकर खेलेंगे। अपना नेशनल गेम हॉकी है, ये बात कितने लोगों को पता है? अभी 5 मिनट पहले पता चला मुझे। ओए सर आ रहे हैं। अरे कौन है ये? लगता आग में से आधा चल के आया हुआ। क्यों नहीं बोलेगा, पगार लेने जब ऑफिस में आएगा तब पता चलेगा ये प्रिंसिपल कौन है। मेरा आना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली को दे दो, वो आकर ले लेंगे। तेरी फैमिली कौन है? तू तो अकेला है ना? प्रिंसिपल सर, मैं अकेला जरूर आया हूँ लेकिन अकेला हूँ नहीं। अरे सभी आजकल यही डायलॉग बोलते हैं, माय डियर बॉयज इसके साथ मत घूमो नहीं तो तुम्हारी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। क्या बोला आपने? कलर के बारे में कौन बोल रहा था? ए, आजकल तेरी शक्ल देखता हूँ तो उल्टी आती है। आपने तो बोल दिया और ये बात यहाँ तक भी आ गई। और अगर यहाँ तक आई तो लेट अस कम टू द पॉइंट। श्रीधर, यस सर। इस ग्रुप में तो ब्रिलियंट बॉय है। हमारा कॉलेज हर साल फुटबॉल मैच में हारता आया है, इसकी वजह क्या है पता है? मुझे पता है सर, प्रिंसिपल को बदलने के लिए बोलता तो वो सुनते ही नहीं है। शट अप। क्या सेटअप है? शो अपने कॉलेज में अच्छा कोच नहीं है, इसीलिए दिल्ली से स्टूडेंट कम कोच को आपके लिए स्पेशली अपॉइंट किया है। वो देखो आ रहा है। इनकी शादी तो हो चुकी है और आपकी उम्र की इनकी बेटी भी है और कमर में स्किन डिजीज भी है। मैं आता हूँ बेटी, लेकिन इनके साथ मत मिलना। इसे बोलते रिवेंज, रिवेंज। हाँ यस। तुम्हें खेलना आता है क्या? अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने? 10 लोग एक बॉल के पीछे भागते हैं, 10 लोग उस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, वो पेनल्टी शॉट, वो कॉर्नर किक। ओह माय गॉड, इट्स ग्रेट गेम। मैराडोना के दादा और मेरे दादा एक ही ग्राउंड में खेला करते थे यूरो। मेरा मतलब जब वो खेलते थे तब मेरे दादा बॉल उठाकर देते थे। ओके ओके, बट आप प्यून हो, आप खेल सकते हो? तो आप इसे अपना असिस्टेंट ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, आप ड्रेस पहनकर आ जाओ, एक छोटा सा टेस्ट लेकर देखती हूँ। ओके बॉयज, कम ऑन, लेट्स प्ले। ए स्पोर्ट्स ड्रेस बदल कर आ, ऑल द बेस्ट। चलो ए ऊपर वाले, अचानक एक प्यून आखिर ड्रेस के लिए कहाँ जाएगा? सोचिए, एक ड्रेस आप ही मुझे दे दीजिए ना, मुझे बचा लीजिए ना। हाँ, ये क्या कर दिया आपने? एक ड्रेस मांगी थी तो आपने अपनी ड्रेस मुझे क्यों दे दी? प्लीज आप अपना खेल बंद कीजिए और मुझे खेलने के लिए एक ड्रेस दे दीजिए ना। आह हे ऊपर वाले, थैंक्स थैंक्स। ए फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा ना, ये तेरी सेफ्टी के लिए रख ले, ऑल द बेस्ट। ये क्या है, सेफ्टी क्या रे? अरे इसे कहाँ लगाना है मुझे? इधर लगाऊं, इधर लगाना है या इधर लगाना है? भाई कहाँ लगाना है? यहाँ, ये यहाँ भी। कपिल, यू आर आल्सो प्लेइंग? ओह या, आई एम अ स्टेट प्लेयर, यू नो। पेप्सी? आहा, ये दिल मांगे मोर। आहा, भीख भी बड़े स्टाइल से मांगते हो। और तुम क्या करती हो फ्री टाइम में? लोगों के घरों में जाके काम करती? नहीं, मुझे नहीं सुनना। हाँ जाओ जाओ। कुछ बड़े प्यार से दिया तो इसे रख लेता हूँ मैं। एक फोर्स से बॉल आ रही है बहुत तेजी से और ये लगी। एक कपिल, अरे क्या हो गया? गार्ड कहाँ है? अरे गार्ड ट्रेन के लास्ट जीपे में होते, यहाँ कहाँ से आएगा? अरे पागल, तुझे मैंने गार्ड दिया था ना। तूने जो वो दिया था वो गार्ड है? अच्छा, ये गार्ड है क्या? हाँ, अगर इसे नीचे लगाता तो चोट नहीं लगती। इसे उधर लगाना होता है क्या? 7 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अरे रे रे रे, पिछले 7 साल से यूज कर रहा है तू? हाँ? अरे मुझे बताया क्यों नहीं तूने? मैंने बिना जाने सोचे समझे उसमें पेप्सी डाल के पीली, तभी सोचूं कि पेप्सी नमकीन क्यों लग रही थी। इसमें पेप्सी पीता है क्या? गुल्ली डंडा खेलो, उसमें जान का खतरा नहीं है। मैंने आपको फुटबॉल टीम में शामिल किया ना, उसी तरह मुझे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल करो। लेकिन क्यों? मैं इस शहर में नहीं आई हूँ, तो आप मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेंट में लेकर जाओगे क्या? ठीक है, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूरा दिन घूमना होगा, हमारी पर्सनालिटी देखकर।
आई लव यू नहीं बोलने का, क्योंकि हमारी भी एक पॉलिसी है। हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैंने एलआईसी पॉलिसी ली है। एक दिन हो या एक साल, किसी को जानने की जरूरत नहीं। जिस दिन मुझे कोई मिल जाएगा ना, मैं उसे पहचान जाऊंगी। लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं है। हम लोगों को भी ऐसा कोई मिला नहीं। आज तक मेरे लिए इंतजार करने वाला राहुल, तेरे लिए मेरा हार्ट हर वक्त ओपन रहेगा, एक्सेप्ट 12 PM to 5 AM। अब आगे से बस स्टॉप पर वेट करने की जरूरत नहीं है, हम बीच पे मिलेंगे। ये सब क्या है? मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। उसे ठीक से जानती भी नहीं हो और तुमने उसे सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही सिलेक्ट करना बेटर है। इसी तरह वेट करते रहेंगे तो 30 साल की उम्र में सेकेंड हैंड व्हीकल दिखने वाले आदमी से मेरी जबरदस्ती उनसे शादी करवा देंगे। अनजान आदमी के साथ जीने से अच्छा किसी से मिलकर बात करके समझ कर शादी करना बेटर है। अपने टेस्ट का आदमी मिल गया तो लाइफ लॉन्ग हनीमून है। मेरा स्टॉप आ गया, अगर लेट हो गया तो मेरे राहुल को कोई पटा लेगा। इवनिंग डांस क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय। हाय। ए बार बार ब्रेक मारूंगा चलेगा ना? सिलेक्ट किया है। पहले तो कॉलेज ढूंढना है। मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। ये भी नहीं पता और मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। अब भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इस वक्त क्या सोच रहा होगा। अगर इसी तरह रहा तो दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर पागलों की तरह रहना पड़ेगा। यही प्यार है क्या? वर्कआउट नहीं होगा। करेक्ट, ये ठीक नहीं है। खुद पर ये कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अब मुझे उस लड़की को भूलना है, भूलना है, भूलना है। ओके, भूल जाऊंगी। फिनिश। सिर्फ एक दिन ट्रैवल किया था और दिल से तो मैं आज भी उसी ट्रेन में हूँ। मेरी तरह वो भी फील कर रही होगी। आज भी वही फीलिंग है। एक बार और मिले क्या?
क्या उससे मिलने का एक और मौका मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ए यहाँ बैठा हुआ है। ए क्या यहाँ बैठा हुआ तू? ए भाई इस तरह ट्रेन रेस्टोरेंट इधर है ये बात हमको पता ही नहीं थी और हमें बताया भी नहीं, यहाँ पे फुल मील खाई जा रही है। बैठ जा, अब हम आ गए हैं तो खा कर ही जाएंगे। पे तू कर देना ना। हेलो एक्सक्यूज मी, ये रेस्टोरेंट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, सुपर्ब है, लड़की भी अच्छी है, सर्वर सुंदरी। व्हाट डू यू वांट सर? आपका फोन नंबर मिलेगा। व्हाट? सॉरी यार, तुम लोग ऑर्डर करो ना, कुछ बोलो ना यार। मेंदू बड़ा, उपमा और पाव, डोसा, उसके बाद अंडा भुर्जी, पराठा। ये लोग रोड साइड खाना खाने वाले हैं इसलिए ऐसे ऑर्डर करते हैं। अभी मैं ऑर्डर करता हूँ। What's your choice, sir? मैं नॉनवेज ऑर्डर करने वाला हूँ। hey, तू हमेशा वेज खाता है ना? हाँ, आज ये पे करने वाला है तो नॉनवेज क्यों नहीं खाया जाए। वो ऐसा है ना कि वो सूखी चपाती होती है ना, उसके ऊपर वो बची कुची भाजी डालते हैं, फिर उसके ऊपर वो कुछ वो पेस्ट डालते हैं, पास में कहीं जा नहीं सकते, वो इतनी बदबू आती है ना उसमें से, और फिर वो लड़के उसको स्कूटर में डिलीवरी करते हैं, वो उसका नाम क्या है, वो पीस, एक पीस स्टार्ट होता है ना उसका नाम, पीस है। पिज्जा रे। हाँ, पिज्जा, 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 रोल पिज्जा, सबके लिए लेकर आओ। हाय, मैं स्वीटी, आई एम संध्या। बाय द वे, व्हाट्स योर गुड नेम? तुम मजाक कर रही हो? ए, एक महीने से देख रही हूँ, एक पीरियड में रहती हो तो दूसरे पीरियड में नहीं रहती हो। तू इस शहर की नहीं है इसीलिए मैंने तुझे एक बस स्टॉप दिया था, लेकिन तू नॉन स्टॉप हर बस स्टॉप पर घूम रही है। अगर तुझे साइट मारना है तो किसी एक कॉलेज में जा। क्यों अलग अलग कॉलेज में जा रही है? सारे लड़के हमारी शक्ल भूल गए, अभी तुम ही टॉप ऑफ द कॉलेज हो। ए, मैं बहुत दिनों से कुछ नोट कर रहा हूँ। क्या? मंडे एतिराज, ट्यूजडे स्टेला मैरी, वेडनेसडे क्वीन मैरी, थर्सडे मीनाक्षी, फ्राइडे कला क्षेत्र, सैटरडे एसआईईटी। तू इसी तरह हर लेडीज कॉलेज के सामने खड़ा होकर के लाइन मार रहा है ना? अरे एक्चुअली संडे भी फ्री रहेगा सोचा था, लेकिन उस दिन भी तू तो भारत चौल में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढता हुआ नजर आ रहा था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे छोड़ना रेशमा, अगर मैं नॉर्मल रहूंगा तो आमिर खान हूँ और शर्ट उतार लिया तो। हाँ दबा, अरे मुझे कोई लड़की नहीं पट रही तो तू क्यों घूम रहा है? देख, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। कौन है वो लड़की? मुंबई से आते समय मैं ट्रेन में एक लड़की से मिला था। सड़क छाप लड़का समझकर मैंने उससे बात नहीं की। मैंने नहीं की तो उसने भी नहीं की। वाइट रोज नहीं है? मुझे तो रेड रोज पसंद है। पर मुझे वाइट रोज पसंद है। क्राउड ने अलग कर दिया। अरे सुन, तू उस दिन रेलवे स्टेशन गया था क्या? नहीं तो फिर उस दिन इतनी क्राउड कैसे आ गई थी वहां पर? जो है ना तू, उसे छोड़कर तू उसको इधर उधर ढूंढ रही है। योर पिज़्ज़ा सर। यहाँ रूम सर्विस है क्या? है सर। शट अप। खाना हाथी कहीं का। अच्छा वो छोड़, मैं पहले तेरे बारे में बात करता हूँ, उस लड़की के बारे में फुल डिटेल बता, मैं ढूंढ कर निकालूंगा उसे। उसका नाम क्या है? पता नहीं। उम्र क्या है? पता नहीं। किस कॉलेज में पढ़ती है? पता नहीं। तो ठीक है, उसका एड्रेस ही बता दे। पता नहीं है रे। यहाँ से देखने पे तिरुपति दिखाई देगा क्या? नहीं दिखेगा। बस इसी सवाल का सही जवाब दिया तूने। अगर तू ऐसे बोलेगा तो मैं कैसे उस लड़की को ढूंढूंगा? तू और तेरा प्यार। उधर उस कपल को देख, एक उल्टी कर रहा है और दूसरा उसको हाथ में ले रहा है, इस स्टाइल में बैठे वो लोग। अभी उनकी पैंट उतारोगे ना तो भी उनको पता नहीं चलेगा, शर्ट उतारोगे तो भी पता नहीं चलने वाला। और उसी तरह इस लव लाइफ को एंजॉय करने के बजाय तू क्यों इस तरह सपने में जी रहा है रे? ट्रेन में मिला था ना इसलिए तू ट्रेन रेस्टोरेंट में आकर बैठा रहता है। अगर तू पहली बार उसको ट्रेन की पटरी पर मिला होता तो क्या ट्रैक के बीच में बैठा रहता? तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? हे, तुम्हें मेरा प्यार पागलपन लगता होगा, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। और फिर उस टेबल पर बैठे कपल की तरह हम भी प्यार की बातें करेंगे। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? लायला कॉलेज छूटने का टाइम हो रहा है, वहीं जा रही होगी। लायला नहीं, पच्चे पास। तेरे प्यार के लिए मैं हनुमान बनूंगा। मैं भी कुछ करूंगा। कुछ नहीं मैडम, आप जाइए। ए तू बहुत लकी है रे, तेरे प्यार में हेल्प करने के लिए तुझे एक हाथी और एक बंदर भी मिल गया है ना। ए क्या बोला? बस तू ऐसे हंसता रहे, यही हमारे लिए काफी होगा। क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को ढूंढेंगे। ये पे कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रही है। तुम लोगों ने जो कल किया ना बहुत गलत किया। ठीक है, उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। प्रीति, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो मेरे मन में बात नहीं समझता मुझे उनसे बात नहीं करनी। यार तू टेंशन मत ले, हम लोग एक आइडिया लेकर आए हैं। जैसे तू फील कर रही है अगर वो भी वैसा ही फील करेगा तो वो तुझे जरूर मिलने आएगा। अगर उसको ढूंढना है तो तेरी माँ की जगह तू टेली शॉपिंग में कंपेयरिंग कर। हे, अगर उसने तुझे टीवी पर देख लिया ना तो खुद तुझे ढूंढते हुए आ जाएगा। इस पैशन का आइडिया रखना, अरे कहीं जल ना जाए। लेकिन ये आइडिया काम नहीं किया तो मेरी मम्मी मेरे पापा को तो छोड़ सकती है लेकिन कंपेयरिंग कभी नहीं छोड़ सकती। इसे मुंह में रख लो, नया नया आइडिया आएंगे।
प्रीति तुम्हारी माँ को क्या क्या पसंद है? पड़ोस वाले अंकल वो ले जाएंगे तुम्हारी माँ को। वो हमेशा अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती है, अभी भी खुद को स्वीट 16 ही समझती है। सुपर आइडिया, पिछले महीने तेरी भाभी वजन कम करके मिसेस चेन्नई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसका वजन घटने से पहले वो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया। तेरी माँ का उसमें टांका भिड़ा दे क्या? पर कैसे करेंगे? सेल फोन ये ले लो, यूज माइन। आई एम 16 गोइंग ऑन 17। हेलो, आप मिसेस हो गई? व्हाट? आप मिसेस चेन्नई कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो गई हैं? रियली? मैं तो मिसेस इंडिया की उम्मीद कर रही थी। ओके, अगली बार जब फोन करूंगी तो मिसेस इंडिया कहकर बुलाऊंगी। 8 o'clock सिलेक्शन शुरू हो रहा है, आप 7 o'clock ताज कोरमंडल में आ जाइए। हाय, मैं 6:30 तक पहुंच जाऊंगी। गर्ल्स, मुझे मिसेस चेन्नई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। सिलेक्शन कब है आंटी? कल है क्या? नहीं बेटी, अभी जाना है। अरे मुझे अभी शूटिंग के लिए जाना है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें मेरी तरह खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। हाँ। आंटी, आपसे 10% खूबसूरत आपकी प्रीति है, आप इसे भेज सकती हो ना? आई थिंक ये बेटर आइडिया। नो, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे कैमरा से डर लगता है। ओह नो, मेरी बेटी हकर, तुम कैमरे से डरती हो? कितनी बड़ी शेम की बात है। आप ऐसा फील करेंगे तो मुझे सहन नहीं होगा मम्मी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं एक दिन एडजस्ट कर लूंगी। थैंक यू डार्लिंग, बाय बाय। आंटी इसे खा लीजिए और ये देखोगी। फर्स्ट टाइम हम लोग टीवी में दिखने वाले हैं तो तेरे पास अच्छा ड्रेस होगा ना? लास्ट टाइम जो तुझे ड्रेस ही थी वो तो अब तक तूने लौटा ही नहीं, तुझे आइडिया नहीं देना चाहिए था। ये है टुडेज हॉलीवुड फैशन फुटवेयर, और सबसे खास बात यह है कि ये हरे, नीले, लाल, पीले सभी रंगों में अवेलेबल है, और चलने में भी बहुत सॉफ्ट फील होगा। इसका डिजाइन ऐसा है, आगे मोटा पीछे पतला है, इसीलिए ये किसी भी साइज और उम्र के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इतना हल्का है, इतनी जल्दी घिस जाएगा क्या? और अगर आप इसे नहीं पहनेंगे तो 5 साल की गारंटी है, और इसकी कीमत है सिर्फ 199 रुपए। थैंक यू। इतना बस हो गया? अभी के लिए हो गया, बाकी पार्सल कर दो। नहीं, कहां से आया? hey, ये तुझे सही लग रहा है क्या? तू इसको ऐसे एक पर एक डाल कर रखे हुए, अगर इसको बाहर फेंक देगा तो कम से कम 100 गरीबों का पेट भर जाएगा बे। hey, तू नजर मत लगा, समझा? आंख में मत मार देना। hey, आजा, 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 ले, ये ले तेरा पिज्जा। ए, क्या रे, जब से आया तू टीवी में घुसा पड़ा, उसमें ऐसा क्या नजर आ रहा है? क्रिकेट मैच है। हाँ तो? अरे ये तो पूरी दुनिया को पता है। मेरी गर्लफ्रेंड को क्रिकेट बहुत पसंद है, वो उधर जरूर आएगी। अरे क्या पागलों की तरह बोल रहा है तू? अरे आजकल स्टेडियम से सब कुछ लाइव कवर करके दिखाते हैं ना, जब कोई आउट होता है तो उसका स्लो मोशन में एक्शन रिप्ले भी दिखाते हैं। अगर यही तो ग्राउंड में होगा तो मेरे लिए एक्शन रिप्ले करने के लिए बोलेगा तो एक बार और आउट होकर दिखाएगा क्या? ए, तुझे अपने प्यार के लिए हेल्प मांग रहा हूँ और तू मजाक कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, बोलो क्या है? हमारे यहाँ अभी इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, वहाँ सभी कॉलेज के नए स्टूडेंट्स आएंगे ना, तो वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आने के भी चांसेस हो सकते हैं। आइडिया अच्छा है। सुनना, कॉम्पिटिशन में मैं भी गाना गाऊंगा यार। तू गाना गाएगा? हाँ। तुझे गाना गाना आता है क्या? हाँ, मैं गा के दिखाता हूँ। तो दो लाइन गा के सुना। बिल्कुल, ये ले। मैं हूँ आधा बली, मैं हूँ पूरा बली, मैं हूँ बाहुबली, बाहुबली। कैसा लगा? ऐसा लग रहा है जैसे ये रंभा की टांग है। अंकल कम ऑन, ट्राई करो। अंकल थोड़ा डाउन, डाउन नहीं होगा, ट्राई करो, जंप। अरे क्यों इसे परेशान कर रहा है? माँ, मैं अभी वकील से मिलकर आ रही हूँ। क्या बात? केस हाईकोर्ट में फॉरवर्ड करने से वो केस जीतने का चांस है, कल हाईकोर्ट में सबमिट करने वाले हैं। वो क्या काम है? अगर मुझसे कहोगे तो मैं नहीं करूँगा क्या? ए, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, इतना काफी है। ठीक है, ठीक है। टिफिन के लिए क्या बनाऊं? मुझे सिर्फ 2 डोसा काफी है। मुझे घी डालकर 3 डोसा चाहिए। मुझे टमाटर की चटनी चाहिए। मुझे नारियल की चटनी चाहिए। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो सिर्फ दही चावल खिलाऊंगी। तो मेरी मनपसंद का कब बना कर देंगे आप? तेरे पापा केस जीत कर आएंगे तो तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। मम्मी, पापा कब आएंगे? क्यों, क्या हुआ? मनपसंद खाना खाने के लिए। चल नीचे चल के फुटबॉल खेलते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते। इसे रख लीजिए सर। सर, ओ, आई एम सॉरी, इसे रख लीजिए। आप आए मुझे खुशी है। प्लीज, ठीक है। अगर हर रोज ऐसा होगा तो बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, बहुत मजा आएगा। इस ड्रेस में मैं ज्योतिका जैसी लग रही हूँ या भूमिका जैसी? फूलन देवी जैसी लग रही है। फूलन देवी? शकरकंद, शकरकंद। अरे मेरी तीखी मिर्ची। रेशमा किधर है? ड्रेस चेंज करने गई है। अरे अगला प्रोग्राम अपने कॉलेज का है। ऐसा है क्या? मैं ड्रेस चेंज करके आता।
अरे बाहर के कॉलेज की लड़कियां भी आई हैं। तू ये खाकी ड्रेस पहन के क्यों आया है? मेरी ड्रेस तो यही है। ए, तू हमेशा की तरह ड्रेस चेंज कर रहा है? आज मैं नहीं बदलूंगा वरना मैं फंस जाऊंगा। प्लीज यार चेंज कर। अरे लेकिन अगर मैं आज बदलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बेवकूफ, आज मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था, ये बताने से पहले ही तूने उतार दिया। He looks like आमिर खान। No, no, he looks like सलमान खान। Thank you, baby. Bye. Bye. मेरा फोन नंबर मत मांगना। Hey, तुम लोग इतने में ही चौंक गए क्या? उधर देखो, पीछे से और लड़कियां भी आ रही हैं। अब देखो कैसे मैं अपने मसल्स दिखा के उन्हें पटाता हूँ फटाफट। एक्सक्यूज मी नोकिया, आपकी आउटगोइंग फ्री है क्या? तो रेट क्या है? इनकमिंग भी फ्री है, इसको जीप में बिठाओ। जीप में चलाना? ये क्या बोल रही है? हम लोग कल्चरल प्रोग्राम में आए, मफ्ती लेडी पुलिस है। जा तू। सॉरी एक मिनट, सॉरी सिस्टर, टी शर्ट एक्सेल साइज की है क्या? क्यों? मैं शाई फील कर रहा हूँ, तो अगर आप उतार कर मुझे देंगी तो मैं पहन कर स्टेशन तक आ जाऊंगा ना। अगर मैं तुझे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? तू चल। ये अब प्रीति कहाँ चली गई? वो उस लड़के को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होगी। और क्या ये पागल है क्या? सारे के सारे लड़के अंदर बैठे हुए हैं। अरे अंदर चलो, डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और हमने जैसा सोचा था वैसे लाइट ऑफ करने वाले हैं। अरे वाह, हो सकता है वो लड़का भी यहाँ मिल जाए। जया कॉलेज और यहाँ आप सबका स्वागत है। डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले श्रीधर एंड रेशमा स्टेज पर आ जाएंगे। गुड, बहुत अच्छा डांस किया। इसके लिए तो प्राइज दे रहे हैं सर। हेलो, इधर इधर क्या देखो, इधर तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मैं यहाँ कोई प्राइज लेने नहीं आया, मैं उस लड़की को ढूंढने आया था जो मुझे मुंबई ट्रेन में मिली थी। हेलो मुंबई पार्टी। थैंक यू। अच्छा अपने फ्रेंड्स लोग मक्की में आए लेडी पुलिस को स्टूडेंट समझकर रैगिंग कर रहे थे। अच्छा, बात क्या है? पुलिस? नथिंग सर, नथिंग। पुलिस इनको मार मार के हड्डी पर लेट कर दी, उससे पहले जमानत करवानी। हेलो सर। हेलो। बाप रे, कितने सारे लड़के थे, हमारी चटनी बन गई। छी, मुझे चांस ही नहीं मिला। अच्छा प्रोग्राम था, प्रीति नहीं आई और मिस कर दिया। अभी वो किधर ढूंढ रही है? डियर फ्रेंड्स, अरे प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, हॉलीवेल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुंबई से चेन्नई आते वक्त ट्रेन में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से मिली थी। उस दिन से आज तक मैं उस लड़के को भूल नहीं पाई। मुझे लगता है कि वो लड़का यहीं कहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज स्टेज पर आ जाओ। हे प्रीति, तू जिस लड़के को ढूंढ रही है उसी तरह वो भी तेरा गेट पे इंतजार कर रहा है। हाँ। जल्दी चलो। सर रिकॉर्डिंग टाइम हो गया। हाँ, ओके। मैं तो कितनी देर से गेट पर ही खड़ी थी, फिर मुझे वो दिखा के मैं ही वो लड़का हूँ। मेरे साथ चलोगी क्या? बोलो। हेलो, कौन सा कॉलेज है? अरे वो नहीं तो मैं रेडी हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। तूने कितनी हिम्मत से पब्लिक अनाउंसमेंट किया, फिर भी देखो। अब देखा तूने कितने लड़के तुझे छेड़ रहे हैं। तू किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए इसीलिए तुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं। अरे यार, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपनी ही गलती है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बाजी, ये लीजिए बाकी के पैसे। अरे तुम ही रख लो, चलती हूँ। ठीक है मैम। सुनो भैया, सारी सब्जियाँ फ्रेश है ना? अरे कैसा सवाल कर रही हैं आप, अभी गायत्री मैम साहब 100 रुपए की सब्जी खरीद के गई ना। अरे गायत्री मैम साहब गिर गई है। ए, चलो चलो जल्दी 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 उठाओ ने। ए। आता हूँ। ये डॉगी बहुत ही क्यूट है, इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर टाइम हो गया, चलती हूँ। प्रीति, हाँ? आते ही जा रही हो? पहले ही मैं बहुत लेट हो गई हूँ, घर वाले फिक्र कर रहे होंगे, आपसे मिलने फिर कभी आऊंगी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
दीदी माँ कैसी है? अभी ठीक है, सो रही है। ओह, अच्छा माँ सीरियस है, किसी लड़की ने फोन किया था? वो अपने घर के पीछे ही रहती है, मुझे भी उसी लड़की ने फोन किया था। अगर वो लड़की नहीं होती तो शायद माँ आज हमारे बीच नहीं होती। ये क्या बोल रहे हो दीदी? माँ को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? मैं इतना टेंशन में बोल रहा हूँ और तुम इस तरह नॉर्मल बोल रही हो? माँ का ये सेकेंड हार्ट अटैक है। माँ ने कभी भी हमारे साथ माँ की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह बिहेव किया है। फिर क्यों माँ ने इस बात को हमसे छिपाया? हमें दुख होगा इसलिए नहीं बताया। फिक्र मत करो, इतने अच्छे फ्रेंड्स को छोड़कर माँ कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों भाई, घर में सब ठीक ठाक? अच्छा है ना मूर्ति? क्यों भी इडियट, यहां वहां हाथ लगाते हुए शर्म नहीं आती? सुनो, क्या ये पिक पॉकेट केस है? नहीं, ये लड़कों का गैंग है, बस में आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। एक लड़का आज पकड़ा गया, उसी की मार मार के धुलाई कर रहे हैं ये लोग। मैंने भी अपना हाथ साफ कर लिया, उसी के चक्कर में मेरी चप्पल भी टूट गई। उसको मारने के लिए एक चप्पल काफी नहीं है। ऐसे लफंगे लड़के बहुत गिरे हुए परिवार से आते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाकर इनकी धुलाई होगी तभी इन्हें अक्ल आएगी। इसीलिए तो इतना मारा है इसे। तो अरे छोड़ो, मेरी बात सुनो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं उसे छेड़ नहीं रहा था। मुझे लगता था मेरा बेटा कॉलेज जाता है, पढ़ाई खत्म करके घर की जिम्मेदारी उठाएगा, पर ये तो बस स्टैंड से मार खा के घर आ रहा है। माँ तू जैसा सोच रही वैसा नहीं है। फिर उन लोगों ने तुझे क्यों मारा? दीदी उन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ए, सब कुछ मुझे पता है। अगर मैं वहाँ नहीं आती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में होते। बस में लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है वो तुझे वहाँ पता चल जाता। हाय 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 हे, तूने तो मुझे ऐतराज कॉलेज के बस स्टॉप पर बुलाया था, यहाँ क्या कर रहा है तू? चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? अरे सही वक्त पर ही तो आया हूँ, तूने तो 10 बजे आने की चाहिए। ये लड़कियों के पीछे घूमता है, तुम इसके अच्छे दोस्तों तो समझाना चाहिए ना, बल्कि तुम भी इसका साथ दे रहे हो, सब एक जैसे हो। श्रीधर, इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है क्या? तुम लोगों के गैंग में रहकर मेरा अच्छा भाई बिगड़ गया है। गैंग? किसको देखकर गैंग के बारे में बोल रही है? हम लोग कोई फ्लाइट हाईजैक करने वाली गैंग है क्या? आपका भाई सरलक पीने वाली गैंग है क्या? हमारे साथ क्या वो कोई टेररिस्ट बन गया है? चुप रहिए दीदी, हमने इसको कितनी बार समझाया कि ये सब नहीं चाहिए। सिटी में किसी लड़की का फोन नंबर, फोटो, एड्रेस होने के बाद भी उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बिना मेकअप के अगर लड़की घर से बाहर आ जाए तो यहाँ तक उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते हैं, ऐसा भी बता चुके हैं इसको। ये किसी लड़की से ट्रेन में मिला था, उसको मिस कर रहा है, अभी हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये कितना सियाना है ना, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा और आप लोग मुझे देखकर गैंग 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 रिपीट किए जा रही है। माँ जी ये क्या कर रहा है पता है? मेकअप सेट, मेडिमिक्स शॉप, टॉयलेट धोने वाले लोशन और ब्रश, ये सब हाथ में लेकर सेल्स बॉय की तरह हर एक अपार्टमेंट में उतर रहा है, चढ़ रहा है उस लड़की को ढूंढने के लिए। बहुत दुखी था इसलिए हम लोग इसका साथ दे रहे हैं। माजी माजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको बाहर मत भेजिए, घर में रखकर इसकी पढ़ाई करवाइए। हम लोग कैसे भी उस लड़की को ढूंढ कर आपके सामने खड़ा कर देंगे। अब आप अपनी मर्जी से इनकी शादी करवाएंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करवाएंगे तो मुझसे कह दीजिए, मैं करवा दूंगा। तू इतना बड़ा हो गया है क्या? माँ जी क्या सिस्टर, ये सब कुछ हुआ ये कहकर लेफ्ट में दे रही हैं, यानी इसके अलावा और भी कुछ हुआ है क्या? और अनजाने में क्या मैंने सब कुछ उगल दिया है? बताइए ना क्या हुआ, बात बताइए ना प्लीज। ए, तू उसका दोस्त है या दलाल? क्या कहा, दलाल मैं? हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली। दीदी राइट में मार दिया, ऑर्थोडॉक्स फैमिली वालों को आयोडेक्स लगाने पर मजबूर कर दिया। ए श्रीधर,
तेरे फैमिली वाले मुझे मिलकर लगातार धो रहे हैं, मैंने जल्दबाजी में क्या सब कुछ बक दिया क्या बोलना। लेकिन एक बात में मैं होशियार निकला रे, जब हम सब भिखारी के गेटअप में हर एक अपार्टमेंट में चढ़कर उतरकर बोलते थे माँ जी कुछ खाने को मिलेगा क्या, क्या यहाँ पर बॉम्बे से कोई लड़की आई है, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं बोली, देख ले ये बात छुपा के रखी मैंने। अब इतना बोल दिया है, बोल दी क्या? ये क्या कर रहे हो, पूरी फैमिली वाले मिलके मुझे धो रहे हो? ये तेरी फैमिली है क्या रे? एक छोटी सी माँ, एक पतली सी बहन और इस जगह की सुरक्षा करने के लिए खुटली वाला डॉगी। जानता नहीं अमेरिका में सीट मिलने के बाद भी इसने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया है। तुझसे कितनी उम्मीदें थी, ये तूने क्या कर दिया? हद से ज्यादा उम्मीद करने से ऐसा ही होता है माँ। हे, मैंने जो बुक पढ़ी है तूने भी वही बुक पढ़ी है, मुझसे दो कदम आगे निकला। को जो चीजें पसंद है वही सब रखी है इसने, लड़के इन सब मामलों में बहुत होशियार होते हैं। और एक साल तक सोप लिपस्टिक पाउडर का खर्चा बच गया। पुलिस स्टेशन के अंदर एक जवान लड़की का रेप, इंक्वायरी के बहाने एक लड़की का एक इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबल ने बलात्कार किया, ये सबको क्या हो गया? एक्सक्यूज मी सर, यही है क्या वो? यस, ये नोटिस है सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है आप जाओ, मैं देख लेता हूं। प्रीति, ये क्या नोटिस? घर की इज्जत को तुमने नोटिस बना दिया है? क्या हुआ, बात क्या आप है? खुद ही पढ़ लीजिए। मॉडर्न लवर को मिला दोगे तो लेटेस्ट वॉच इनाम में दी जाएगी। मेरा एक दिन का प्यार लापता हो गया है। 20 जुलाई को मुंबई से चेन्नई आने वाली दादर एक्सप्रेस में कोच नंबर 6 सीट नंबर 61 पे पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं उसे हर एक कॉलेज हर गली में ढूंढ चुकी हूँ। अगर कहीं वो आपका दोस्त है तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पर संपर्क कीजिए, उसका एड्रेस जो भी बताएगा उसे लेटेस्ट वॉच और एक लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन इनाम में दिया जाएगा। फोन नंबर भी तूने दिया है? आपकी प्रीति, केयर ऑफ स्वीटी। स्वीटी तेरे साथी है क्या? उस दिन मुझे भी चीट किया था, जब मैं डेली शॉपिंग गई थी मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उस दिन शक हुआ था तो अब तक चुप क्यों थी? ए, इन सब के लिए टाइम कहाँ है, मेकअप में ही सारा टाइम निकल जाता है। नॉनसेंस। प्रीति, तेरे बारे में बात कर रहे हैं तू इस तरह खामोश क्यों है, तू उसके लिए इतनी पागल है क्या? हाँ हूँ। अरे दोबारा अगर तूने ऐसा किया तो तेरे हाथ पैर तोड़ कर शांत जगह में बिठा दूंगा। जाओ जाओ ना। कि वो इधर आएगा? वो यहाँ जरूर आएगा, उसे भी मेरी तरह क्रिकेट बहुत पसंद है। इसलिए तुमने उसको हर पसंदीदा जगह पर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। वो इधर होगा क्या गारंटी है? आज अगर वो इधर होगा भी तो इतनी भीड़ में तो उसे कैसे ढूंढ पाएगी? क्योंकि वो भी मेरी तरह मुझे ढूंढ रहा होगा।
अब तो सिक्स ही लगना चाहिए। क्या किस? नहीं रे सिक्स। लेकर जा रहा है कहकर मुझे अपने रूम में लेकर चला गया और उसी वक्त स्वेटिंग भी हो रही थी। अरे कौन है यार, तुझे ऐसे घूर कर देख रही है? कौन है यार? है क्या? नहीं नहीं। क्या यार, मुझे तो कोई लड़की नहीं देखती है। तेरी शक्ल खराब है इसीलिए। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे उधर जाना है। आ जाओ चलो बाहर। अरे ऐसे आ गया, मैं उधर बैठने जा रहा हूँ। आ जा। अरे करके देखते हैं। ये स्टेडियम जब से बना है तब से मैं हूँ। आपको जो भी जानकारी चाहिए मुझसे पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, यही है मैनेजर। हेलो। और ये है एसीपी। ये पूरा स्टेडियम। शट अप सर, स्टेडियम में बॉम्ब है, मैच खत्म होते ही फट जाएगा। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो बिना नुकसान के सबको बचाया जा सकता है। तू पागल हो गई है क्या? मुझे दो बस बदल कर घर जाना है। तू चाहे तो मैच खत्म होने के बाद, सबके चले जाने के बाद यहाँ का कचरा भी उठा के आ जाना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैच खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। हा? सभी को बाहर निकालना ये इम्पॉसिबल है सर। बट सर प्लीज चिल्लाइए मत, किसी को पता चलने से पहले हमें बम को डिफ्यूज करना होगा। रिपोर्टर ने बताया है कि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि बॉम्ब ब्लास्ट की घटना आतंकवादियों की साजिश है या फिर किसी की शरारत। पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए पूरी शिद्दत से जुटी है। अरे वो हमें बिना बताए यहाँ पर नहीं आया होगा यार। जब से मैंने उसके लव मैटर के बारे में उसके घर में बताया ना, तब से वो लोग हम सबको अवॉइड कर रहे हैं। कपिल सही कह रहा है, वो सुबह से घर नहीं आया है। चलो चलो चलो, उस तरफ वो जरूर यही कहीं होगा।
होगा। हाँ चलो ढूंढते हैं। मैं कब से देख रही हूँ सारे लड़के नहीं जा रहे। अंदर नहीं जा सकते। आप समझते क्यों नहीं? आप नहीं समझते हैं। प्लीज जाने दीजिए अंदर। अरे उधर देखो, कैसे बचा सकता हूँ? 10 मिनट पहले लेकर नहीं आ सकते थे? अगर वो अंदर होगा तो इसकी हालत भी ऐसी ही हो गई होगी। तुम में से किसी के पास हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड है? हाँ, है क्या? चलो अंदर। अरे कहाँ जा रहे हो? हमने तुमसे कहा था पीछे हटो। हम तो कॉलेज के स्टूडेंट सर, एनएसएस ने भेजा है अंदर विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। अब आप बोलिए ना। बाकी के स्टूडेंट्स पीछे आ रहे हैं सर, ये देखिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी। मेरा आईडी कार्ड? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू सर। कम ऑन, हरी अप, हरी अप। मुझे डर लग रहा है। आज हमें डांट पड़ेगी भी तो चलेगा, लेकिन आज उसके भाई को सारी सच्चाई बता ही देंगे। हाँ चलो चलो, हाँ देखते हैं चलो। हॉस्पिटल लेकर तो नहीं गए? चलो चलकर देखते हैं। चलो हाँ चलो। इस बच्चे को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, वो श्रीधर जैसा लग रहा है ना? हाँ यार वही है, तो वही है। आपका टांका और पट्टी लगाए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, आप कैसे जा सकते हैं? Anyhow, I am not going to discharge you. Hey, रुक जाना, तुझे इस वक्त कहाँ जाना है? Hey, मैंने उस लड़की को स्टेडियम में देखा था। उसकी वजह से तू आज यहाँ पे पड़ा है। सच कह रहा हूँ यार। हिम्मत कहाँ से आ गई? तुझे ढूंढने में हम लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी पता भी है? तूने इतनी भीड़ में उसको देखा, ये यकीन करने वाली बात है क्या? मुझे वहाँ उसके जैसा कोई दिखा था। ऐसा बोलकर तू बम ब्लास्ट में फंस गई। ये सब तेरा प्यार है सोचकर हमने तुझे हेल्प किया, ये सारी हमारी गलती है। तो और उसके बारे में सोच, इसलिए मैं बोल रहा था प्यार व्यार को भूल जा। अगर मेरी बात सुनती तो ये स्टेडियम में जाती क्या? इतनी भीड़ में तुमने उसे कैसे पहचान लिया? इसी चक्कर में तुमने बस स्टॉप पे मार खाई थी। बस स्टॉप पे मार खाने के बाद भी तुम नहीं सुधरे। हमेशा उसे याद करता है, इसीलिए हर लड़की में तुझे वो नजर आती है। ऐसी बात नहीं है यार, एक दिन में तुम्हारा ये हाल है तो कितनों को फ्लर्ट किया होगा उसने। इतने दिन तक वो तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया, अब आएगा इसकी क्या गारंटी है? अरे कुछ नहीं, बस हमें इसकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। श्रीधर बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं है मुझमें। इसकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद हो चुकी है और तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? तो बस अमेरिका जाने का कोई रास्ता ढूंढ। सुन माँ इतना बोल रही है, इतना तो प्रॉमिस कर सकता है ना कि तू जल्द से जल्द अमेरिका जाएगा? अच्छा हुआ, तू बड़ी घटना से बच गई। थोड़ी देर और छोड़ देता तो पता नहीं क्या होता। आप लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। माँ फर्स्ट है, बाकी सब नेक्स्ट। ठीक है पापा, वो खुद भी अगर सामने आ जाएगा तब भी उसे नहीं देखूंगी। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से आखिरकार इसमें अकल तो आ गई। हाँ बेटा, पूरी फैमिली मंदिर जाते हैं, वहाँ तेरी माँ का सिर मुंडवाते हैं। हम
बाप रे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज के बाद कॉलेज कॉलेज जाकर घूमना बंद। साइलेंस, पेशेंट है ना? आप सब लोग कौन है? हम लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं। बहुत खुशी हुई। कितना यूनिट देने वाले हैं आप लोग? दो बकेट ले लीजिए हमसे। व्हाट? दो बकेट? इसकी बॉडी में जितना चाहे निकालिए। शट अप। पेशेंट है ना, थोड़ा साइलेंट हो जाइए ना। नर्स नर्स बाल्टी की बात मत किया कर। कम ऑन कम ऑन, पास कर पास कर, पास कर बॉल। हां जल्दी, कम ऑन कार्तिक, पास दी बॉल, उसे कवर कर। कम ऑन कम ऑन, आगे की तरफ। कम ऑन कम ऑन पर। ये छे छे, निराश मत हो यार, कोई बात नहीं, सब तेरी वजह से हुआ। ए धक्का देगा मेरे को तेरी तो। ए तूने मुझे बॉल पास क्यों नहीं किया? ए सब कुछ ठीक से याद तो है ना? क्योंकि हम लोग मैच में हार गए हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ए तो मुझे देख, मैं अंदर कैसे बात करूंगा अब? मेरा स्टाइल अलग है। आजा 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 अंदर आजा आजा। हाय हाय, खाया? खा लिया। अभी कैसे हो? हां फाइन, बेटर। शट अप। ए ये ऐसा चिल्ला के क्यों जा रही है? वो हर वक्त पेशेंट को हॉर्लिक्स देती है ना, तो एक हाफ क्वार्टर देंगी तो चैन की नींद सोएगा, इसलिए बोला तो चिल्लाई तो उसने। तू भी ए जल्दी से तैयार होकर दूसरा मैच खेलने आ जाओ ना। हाँ यार, तू टीम में नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना पिक्चर के टीवी देख रहे हैं। मुश्किल से यार हम ये मैच जीत पाए। ऐसा क्या? कितना गोल मारा? दो। तीन? क्या रे, वो दो बोल रहा है, तू तीन बोल रहा है। अरे इसने शायद दो मारे होंगे और उसने शायद तीन मारे होंगे, कौन याद रखता है ये सब यार। और तो और इसने एक शॉट तो ऐसा मारा कि बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई, अब तक लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्यों है ना पता? तुझे यकीन नहीं हो रहा? ये देख हमारा कप। हां देख 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 देख। अगर 100 रुपए और लगाता तो इससे बड़ा कप मिलता था। वो 100 रुपए नहीं देना, इसीलिए सब गड़बड़ कर दी ना तूने। होटल में जो मुफ्त की चटनी मिलती है, उतना भी दिमाग नहीं तेरे अंदर? बिल इसके अंदर रखते हैं क्या? ये आइडिया वैसे इसका ही था। हाँ, इसका भी था। सॉरी यार, हम मैच हार गए ये जानकर तुम्हें दुख होता ना, इसीलिए झूठ बोला। ये सब झूठे हैं। हे मैं ठीक होकर आता हूँ और अगला मैच जीतेंगे, ठीक है? ओके यार। जब तक हम साथ हैं हमारी जीत पक्की है। सही बोला तूने। माँ माँ, अरे ऐसी चीजें हमने अपनी जवानी के दिनों में। माँ मेरा वीजा आ गया। ये मेरा बेटा श्रीधर। हेलो। ये बात अपनी दीदी को बता, बहुत खुश हो जाएगी वो। इस लड़के को रात में जॉगिंग जाते हुए देखती हूँ। दीदी आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है श्रीधर? अच्छा ये लोग कौन है? सुन, ये लोग अपने घर के पीछे रहते। प्रीति चल कॉफी देकर आते हैं। फिर मेरा कॉफी? तू अपने आप ले ले। ठीक है जल्दी आओ, मंदिर जाना है। प्रीति चल। ऐसे कैसे जा सकते हैं सिर्फ कॉफी पीकर? हम लोग अपने घर से खाना खा कर आए, कोई बहुत दूर से थोड़ी आए, पास में ही तो रहते हैं। आप लोग सगाई में जरूर आइएगा, आप सबसे जल्दी मुलाकात हो। बहुत लोगों को इनवाइट करना है, लड़के वाले मुंबई में शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए सिर्फ एक ही महीना बचा है ना, बहुत सारा काम करना है हमें। प्रीति शादी करके चली जाएगी तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। ऐसी अच्छी लड़कियाँ आजकल कहाँ मिलती हैं? लग रहा है इसको मेरी याद बिल्कुल नहीं आई। आपका लड़का बाहर जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, मेरा बेटा भी अगले महीने अमेरिका जाने वाला है, इसका वीजा भी आ गया है। ए प्रीति, इसलिए तूने ये स्वीट दिया है क्या? लगता ये मुझे भूल चुका है। अच्छी बात है ना, आजकल के लड़के दोस्तों के साथ प्यार व्यार के चक्कर में घूमते रहते हैं, पर आपका बेटा समझदार है जो अमेरिका जा रहा है। मेरे भाई को प्यार व्यार में दिलचस्पी नहीं है, दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे बस स्टॉप रेलवे स्टेशन में नहीं घूमता है। हमारी बेटी भी ऐसी है, पढ़ाई उसकी दुनिया है, उसका सर झुका ही रहता है, सिर्फ कॉलेज में जाकर सर उठाती है, दूसरी लड़कियों की तरह कॉलेज से बंक करके बाहर नहीं घूमती है। श्रीधर, तू इन लोगों को नहीं जानता है ना? इन लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन प्रीति को जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं इनसे मिलना चाहता था। मैं भी इन्हें जानती हूँ। इन्होंने हमारी माँ को बचाया था, तब से मैं इनसे मिलकर थैंक्स कहना चाहता था। आज इनसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत थैंक्स। इनकी माँ को जब हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब मैंने इनसे फोन पर बात की थी, लेकिन आज ही पहली बार मिली हूँ। ऐसा है क्या? चलो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। हाँ ठीक है। माँ जी,
हमारी बेटी शादी करके ससुराल जाने वाली है और आपका बेटा अमेरिका जा रहा है। एक ही टाइम पर ये दोनों काम हो रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते, बाय। तैयार हो जाओ, लड़के वालों के आने का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या, मैंने अब तक मेकअप ही नहीं किया है। रूस पाउडर लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, काजल लगाना है, बहुत अच्छे से तैयार होना है मुझे तो। तेरा मुंह क्यों लटका है? तेरे मम्मी और पापा डिवोर्स ले रहे हैं क्या? कुछ तो बोल, क्या हुआ? आने वाला लड़का तेरी माँ को पटा के ना ले जाए। तू अब तक उस ट्रेन वाले लड़के को नहीं भूली? एक महीने के बाद तू शादी करके मुंबई में सेटल होने वाली है और इस वक्त वो कहीं और सेटल हो गया होगा। सही कहा। अच्छा, मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं? अरे चल, सॉरी यार श्रीधर, मैं और डिक्की एक्चुअली डबल्स आ रहे थे तो ट्रैफिक वाले ने हमें रोक लिया। मैंने पूछा, अरे भाई हमारी क्या गलती है, आपने हमें क्यों रोक लिया? वो बोलता है कि आप लोग ट्रिपल सीट हो। इसको देख के बोला कि अरे बाइक सिर्फ दो लोगों के लिए बनी हुई है, दो ही चलने चाहिए, अकेला ही दो के बराबर है। शेयर मार्केट में पैसा तो नहीं लगाया तुमने? क्या हुआ तुम्हें? मैंने उस लड़की को देखा, वो ट्रेन वाली लड़की। वेरी गुड। क्या कहा उसने? तूने अपने दिल की बात बोली क्या? अपने प्यार के बारे में सब बताया? ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। शादी कब है? उस लड़के को मैं बिल्कुल याद नहीं हूं। उसकी शादी तय हो गई है। मुझे उसी दिन लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। छोड़ना, ये सिर्फ सफर के दोस्त हैं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, कल जब हम लोग फाइनल मैच जीत जाएंगे ना, तो इसकी फोटो जब टीवी और पेपर में आएगी, तब सारी की सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी। बे हाँ, छोड़ो वो सब। हाँ सुनो, कल जो मैच होने वाला है ना, वो हमारी टीम जीतेगी। इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, इसको गोलकीपर बनाएंगे। ये हुई ना बात। पर क्यों? क्योंकि इसकी साइज को क्रॉस करके बॉल गोल पोस्ट में नहीं जा सकती। ए तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ। अरे वो बेवकूफ, आज फुटबॉल रख के तूने पूरा दिन प्रैक्टिस की थी ना, तो क्या फुटबॉल को तू वहीं छोड़कर आ गया? सॉरी यार। हाँ तो उसको मैं लेकर आया। ए देना देना प्लीज यार, देता हूँ। ये ले। ए? हाँ? ये क्या, फुटबॉल इतना छोटा हो गया? अगर ये खेलेगा तो फुटबॉल कैसा होगा? राम 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 राम। अभी थोड़ी देर में जो फुटबॉल मैच शुरू होने जा रही है, फाइनल में क्वालिफाई करने वाले ए जोन की आलमाई नायगढ़ कॉलेज और बी जोन से न्यू सिटी कॉलेज के खिलाड़ी जो एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं। हमारी टीम फाइनल तक आएगी ऐसा लगा नहीं था। अभी तो मुझे डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है बाबा। हाँ तो तू टेंशन में खड़ी क्यों, बैठ जाना। मैं बैठी हुई ही हूँ। उधर देखना, जरा खड़ी होकर तो सीन एकदम झकास है। और तू तो खंबे जितनी लंबी है, बैठ जा, नहीं तो कोई झंडा लगा देगा तेरे ऊपर। सर ये क्या है सर, ऐसा लग रहा है कौवा वाइट पैंट पहन गया। ये स्पोर्ट्स ड्रेस है, 1973 में मैं स्टेट के लिए खेल चुका हूँ। क्या कहा, सेठ जी के घर पे खेल चुके हो? अच्छा उसका कभी धोया नहीं क्या आपने? गुड मॉर्निंग सर। अरे कौन हो तुम लोग, इतनी भीड़ लगी है? हम सब बबलू के फ्रेंड्स हैं सर। हाँ वो तो साइज देख के पता चल रहा है। हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाकर बड़े हुए हैं सर। एक ही थाली में? वो थाली मुझे देखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अंदर बैठ के खाया था, बाहर बैठ के खाया था, ये देखने के लिए। नाइस टू। क्या रे, तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पैर पे हाथ रख रही है। मैच खत्म होने से पहले दूसरा मैच ना हो जाए। Yeah!
रहा था कि नेट को पीछे नहीं बल्कि आगे बांधना चाहिए था। शट अप। सॉरी स्टेट प्लेयर। ओह नो। ओहो। चलो क्या जाना है बोल रही है। अपना चिंपू टीम पसंद नहीं आया क्या? ना तो मुझे टीम पसंद है और ना ही प्लेयर्स पसंद है। वो क्रिकेट स्टेडियम इंसिडेंट के बाद भीड़ से मुझे बहुत डर लगता है। बाहर बोर हो रही थी, सोचा तेरे बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने आ जाऊं, पर यहां भी बोर हो रही हूं। वही तो, यहां कोई ऐसा लड़का भी नहीं दिख रहा है जिसको हम लाइन मार सके। ए, चल जाते हैं। ए, तुम लोगों को यहां आना था इसलिए तुम्हारी माँ से परमिशन मैंने ली, मिलकर पढ़ाई करने का बहाना बनाया। अब कहां जा रही हो? तेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा ही समझा था, लेकिन अच्छा खेल रहा है। लगता है बहुत अच्छा प्लेयर है। सही कहा, वो खेलने में माहिर है, बहुत अच्छा खेलता है। 24 पासिंग मिस्टेक हो गई। सिंबो फ्रंट फॉरवर्डिंग कवर कर लो, ओके? देन फॉरवर्ड हाफ। मैं सेकंड फॉरवर्ड कर लेता हूं। नो नो, टू श्याम ओनली लेफ्ट फॉरवर्ड। हां चल गया। बेस्ट ऑफ लक। अपनी टीम जीतने वाली है, बैट लगाएगा क्या? क्या सर, ये बैट के 100 रुपए बोल रहे हैं? बहुत कम लग रहा है क्या? खेल को देख। कम ऑन कम ऑन, अरे रे रे रे, चल रे, कम ऑन पास कर, चल रे, चल रे, चल रे, चल रे, चल रे, बहुत खेले, बहुत बहुत बहुत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हेल्प दी हेल्प, पास कर, इस तरफ, अब ठीक है, पास कर, पास कर, कम ऑन, बढ़िया, पास देखिए सर, देखिए सर, फायर सर, फायर, सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं, इतने कम वक्त में गोल हो पाएगा क्या? मुझे लग रहा है हम लोग ही जीतेंगे।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यही चांस है, ये सब लोग लाइन से आ रही हैं, उनमें से कौन सी अच्छी है चूज कर लेना, दूसरे से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। सबसे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ज्यादा बोलो मत, चुप हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। पैर कैसा है? अभी ठीक है। कांग्रेचुलेशन, नाइस शॉट। मैंने सिखाया था, थैंक्स। सिर्फ थैंक्स, पार्टी नहीं दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, पार्टी देता हूँ ना, ऑडियर के पॉर्ट स्टैंड होटल के अंदर। वाह! उस गली में हाँ बॉइल्ड और पायसू बहुत अच्छा मिलता है, वही लाकर खिलाऊंगा। तुम लोग चाहो तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अरे मैंने तो ऐसे ही जोक मारा था, पार्क शेल्टर में चलते ना, पे तो ये करने वाला है। नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अगर ये नहीं आ रही तो हम लोग नहीं आएंगे। अरे ये कौन सा तरीका, कुछ देर पहले तो तुम लोग बड़े प्यार से मीठी बात कर रही थी और अब फुसकी की तरह बात कर रही हो। हाँ अरे तुम लोग मीठी हो या फुसकी हो ये तो बता दो कम से कम। आ जाओ ना, इनके बुलाते ही दुम हिलाकर इनके पीछे आ जाएंगे सोच रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं। अरे मैं तुझे अभी एक गेम दिखाता हूँ, इधर दे रहे। दीदी श्रीधर, माँ को अचानक। डॉक्टर माँ को क्या हुआ? उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट अभी 10 मिनट में आएगी, आने के बाद ही बता सकते हैं सिचुएशन क्या है। मेरी लाइफ के बारे में चिंता कर करके अपनी तबीयत खराब कर ली। मैं जब ऑफिस गई थी तब हाईकोर्ट का केस रिजेक्ट हो गया, ये नोटिस देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा हुआ प्रीति के पापा ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करके हेल्प की। बेटी हाईकोर्ट में कौन सा केस है? मेरे हस्बैंड PWD चीफ इंजीनियर थे, 3 साल पहले। चेन्नई और तामिलनाडु वेलाचेरी के बीच में बनाया गया जुबली पुल टूट चुका है। पुल के ऊपर से गुजरने वाली वैन मलबे में दब चुकी है, इस वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस पुल को बनाने वाले चीफ इंजीनियर आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इंजीनियर आनंद के खिलाफ पुलिस कार्यवाही शुरू करेगी, पुलिस अपने काम में लग चुकी है। सिविल केस की लिस्ट में थे, उनको क्रिमिनल लिस्ट में जोड़ दिया। इसमें जिसने घोटाला किया है वो कॉन्ट्रैक्टर नटराजन है, वो बहुत ही चालाकी से बाहर आ गया और मेरे पति को फंसा दिया। बेटी पुल को कैसे बनाना है इंजीनियर डिसाइड करता है, लेकिन जनता के पैसों को लूटना कैसे है ये नेता डिसाइड करते हैं। ऐसे में यही तो होगा, इतना बड़ा ब्रिज टूट कैसे गया आखिर? इसको सच बोलने के लिए बोलो तो, कहीं वहाँ जॉगिंग पे तो नहीं गया था? सच कह रहा है, मैं सिर्फ वॉकिंग करने गया था। तू वहाँ गया था? मैं टच करूंगा। इशिदर, हाँ? विमल तेरे साथ खेल रहा था क्या? नहीं तो ठीक से ट्राई कर, कीप ट्राइंग। हाँ, वेरी गुड। मैंने टच किया। आपका बेटा बहुत एक्टिव है सर। मैं चलता हूँ सर। एक मिनट रुकिए, आपने इतनी हेल्प की है, घर के बाहर से जा रहे हैं, आइए कॉफी पीकर जाइए। ये मेरी वाइफ है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ। हेलो। आज ही तो मिला है, आपके आने की खुशी में माँ ने सब कुछ आज ही बना दिया है। ए, बहुत हो गया, चल।
एक्सक्यूज मी, आपको ही बोल रहा हूँ। जो कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऐसा क्या किया? मेरी दीदी की जिंदगी बचाई है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप जिंदगी भर ना भूल सको ऐसा कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है, फुटबॉल मैच के बाद वैसे भी हम सब दोस्त हो गए थे। अगर आप मुझे फ्रेंड मानती हैं तो मैं जो गिफ्ट दूंगा वो आप कबूल करेंगी। बोलिए आपको क्या चाहिए। बचपन से लेकर अब तक आपने जो चाहा है वो आपको ना मिला हो ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज जिसे आपने मिस किया हो? ठीक है, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे, पर ट्रीट मैं दूंगी। उधर देख लव बर्ड्स को, इस तरह की लाइफ को एंजॉय करने के बजाय सपने में क्यों जी रहा है तू, बोलना। उस टेबल पर बैठे कपल की तरह एक दिन हम भी प्यार की बातें करेंगे। सिर्फ वो एक टेबल खाली है? ठीक है, वहीं बैठते हैं। ओके प्लीज। यहाँ के सारे आइटम्स अच्छे हैं, क्या ऑर्डर करूँ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, आपका फेवरेट डिश क्या है? स्वीट कॉर्न सूप एंड वेज फ्राइड राइस। ओके, वो मेरे लिए लाना। ओके सर। तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? वेज क्रीम सूप एंड सॉफ्ट नूडल्स। वो मेरे लिए लाना। ओके मैम। इस बार तुमने ट्रेन से उतरे बिना ही पानी दे दिया। तो आपको हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है? वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। योर ऑर्डर इज रेडी सर। थैंक यू। तुम्हारी फेवरेट डिश बहुत अच्छी है। थैंक्स अ लॉट। इस खुशी के पल को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर, माँ को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। माँ को कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा इसीलिए वो अब तक जिंदा है। पहले से ट्रीटमेंट लिया होता तो आज इस तरह से सीरियस नहीं होती। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन कीजिएगा। माँ, माँ, वो बुक्स निकाल। ये मेरे भाई की पसंदीदा बुक है। अगले हफ्ते वो अमेरिका जाएगा तो लेकर जाएगा। अंदर रख दे। दीदी। हाँ। आपने जो मंगवाया था वो लेकर आया हूँ। प्रीति, इसके बाद हमारी मुलाकात कब होगी पता नहीं। अगले सप्ताह तेरी शादी है ना, मेरी याद के लिए ये साड़ी रख लो। अरे नहीं नहीं दीदी, ये मैंने तेरे लिए ही मंगवाया है, इसे रख लो। कहीं और रहती थी, हमारे पड़ोस में रहने आई, मेरी माँ को बचाया, मेरी फैमिली के लिए तुमने बहुत कुछ किया। अभी उनको बेंगलुरु में अच्छा काम मिला है। मैं भी बैंक से ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रही हूँ, हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब देखती हूँ तो लगता है कि तेरे और हमारे बीच में कोई रिश्ता है ना श्रीधर? हाँ, हाँ दीदी। प्रीति, ये साड़ी तुम्हें पसंद है क्या? देखो, वाइट मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक्स। संभल कर जाओ।
जीजा जी, टैक्सी आ गई है, दीदी को बुलाओ। गिरिजा, ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी चलो। बदमाशी मत करना। माँ बहन नहीं है सोचकर दोस्तों के साथ पीना शुरू मत कर देना। ठीक है दीदी। क्या हुआ, कोई टेंशन? कुछ नहीं दीदी। हम सबको छोड़कर अमेरिका जा रहा है सोचकर दुखी हो रहा है क्या? मैं कहीं भी चला जाऊं दीदी, मैं चाहे कभी भी इंडिया आऊं, मेरा इंतजार करने के लिए मेरी दीदी है, इतना मेरे लिए काफी है। हे जूली। बाय अंकल। बाय। जब घर में कोई नहीं होता है ना तो हॉल ही बार बन जाता है और बियर का मजा इसी में आता है। सोफा तो है ना, कैसा इंसान है नीचे बैठकर पी रहा है। अरे चल हट ना, अगर हम नीचे बैठ के पीते हैं तो हम इसको पूरी इज्जत देते हैं। क्या तू उस लड़की को बियर पिला रहा है? अरे सॉरी यार, गलती हो गई। अरे वो देसी पीने वाली यो? है। ऐसा क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक किया मैंने। ये ले तेरा ब्रांड, बस जोक मारा था। एक्सक्यूज मी, फायर प्लीज। फायर? अरे कहाँ गया मैच बॉक्स? यही, इसके पास तो लाइटर भी है यार। तभी मैं कहूँ, उस दिन मुझे शिवाजी बीड़ी की बदबू क्यों आ रही थी? बकवास बंद करो, पिछली बार तुम लोग ने पी ली थी और मुझे छोड़कर चले गए थे। ओह ऐसा है क्या, मैं तो भूल ही गया था। वैसे एक बात बता, तू पीती नहीं है क्या? सिगरेट नहीं पीती है क्या? किसी से प्यार नहीं करती है क्या? बॉडी में कोई डिसऑर्डर है क्या? क्यों, कुछ दिनों तक तुम्हारी फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती क्या? अरे इसने तो टच एक बात तो साफ है, अगर रुई आग के साथ रहेगी तो रुई में तो आग लगेगी ना। मैं रुई को मसल दूंगी। उसने रुई बोला है, रुई तू आती है। इतनी जल्दी खाली हो गया यार? इसीलिए मैंने पहले बोला था, इसके लिए कुछ अलग से ज्यादा मंगवाते हैं। अरे ओ मेरे प्यारे टैंकर, ये अमेरिका जाने से पहले इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी देने वाला है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हे, मैं बिना बोले अमेरिका चला गया तो तुम लोग क्या करोगे? ए मजाक मत करो यार, अगर ऐसा कुछ किया ना तो तुम जहाँ रहोगे वहाँ आकर पिटाई करूंगी। अरे जाना, छोड़ ना, ये कौन सी हमारी गर्लफ्रेंड लगता है जो अगर चला भी गया तो हमें दुख होने वाला है। हमेशा की तरह बंक मारेंगे, दरवाजा खुलेगा तो अंदर आकर पी लेंगे, नहीं तो कॉर्नर में किसी वाइन शॉप के बाहर में खड़े होंगे, इसके नाम पे दो पग लगा लेंगे, क्यों क्या बोलता है? चल छोड़ ना, ज्यादा बेकार की बात मत कर अब तू। ए जाते समय रास्ते में तेरा घर आता ना, वहाँ का हॉल तो क्लीन है ना? ऐसा क्यों पूछ रहा है? दो बॉटल और पीकर वहाँ उल्टी करने की सोच रहा हूँ मैं, बोल क्या बोलता है? तेरी तो मैं देख 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 मेरा गला दबा रहा है यार। अरे ये ले, छोड़ ना, इसे और पिला यार। मुझे पिलाएगा? अरे क्या कर रहा है यार, मुझे पिलाएगा? इतने से गला दबाया कि अब दर्द कर रहा है। पीना यार, उसको भी दे। हाँ ये ले। थैंक यू। Bye आंटी। आंटी मत कहो ना। Hi प्रीति। Come on everybody। मुझे पता है तू उस मुंबई वाले लड़के से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई है, क्योंकि तू यहाँ रहेगी तो तुझे हमेशा उसकी याद आती रहेगी। मैंने सही कहा ना? तू उसको भूल जाएगी फिर हमें भी भूल जाएगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग कल ही मिले हैं, एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। Bye. 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 Girls. जाना बेटा, ठीक है?
बारे में पहले ही कहा। बहुत ही सफेद मीना। चलो ना, सब ठीक होगा। पासपोर्ट। क्या यार, घर बंद है? किसी दोस्त से मिलने के लिए गया होगा। अरे हम ही तो उसके फ्रेंड्स हैं। क्या रे, खुल नहीं रहा। ए डबल डेकर बस। क्या हुआ? ताला लगे दरवाजे को क्यों ठोक रहा है बे? अरे वो बंद है ना। लॉक को देखना हाथी। सॉरी यार, सॉरी। हम ही यहाँ बुलाकर आखिर वो जा कहाँ सकता है? बिना बताए कहीं वो चला तो नहीं गया ना? ए आखिर मैं बिना बताए अमेरिका चला गया तो तुम लोग क्या करोगे? ये तो जूली की आवाज है ना? हाँ, वो उधर ही होना चाहिए। ए, जूली को प्रीति के घर क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? एक ऐसा फ्रेंड है जो सब कुछ छोड़ के चला गया। चीची, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, तुम ऐसा ही सोचती रहो। वो अमेरिका से अगली फ्लाइट पकड़ कर आने वाला है। वो हम सबको ठुकरा के चला गया। इतनी भी अक्कल नहीं कि तुम्हारे भेजे में। वो छोड़ कर गया है ना, तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी है? है कि अपने डॉग को छोड़ करके वो हमें बिना बताए कहीं भी जा सकता है? मतलब हम लोग उस डॉग से भी ज्यादा बदतर हो गए उसके लिए, क्यों? ठीक है ठीक है, उस जैसे हजारों फ्रेंड्स मिल जाएंगे हमें। उसको तो हजारों फ्रेंड्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारा तो वही एक फ्रेंड है ना। फोन करके तो बता सकता था वो, हमारी बिना परवाह किए चला गया छोड़ के सबको। फ्रेंड्स, गाली का स्टॉक खत्म हो गया। तुम लोग को मुझ पर हाथ उठाने का भी हक है। मैं प्यार में हार गया, मेरी माँ और बहन मुझे छोड़कर चली गई। अभी भगवान का दिया हुआ तुम लोग ही मेरे पास हो। किसी दिन तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, इससे पहले मैं तुम लोग को छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ इतना नहीं, मैं तुम लोग से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहता, क्योंकि फ़ोन पर तुम लोग की आवाज़ सुनी, लेटर में तुम लोग की हैंडराइटिंग देखी, तो तुम लोगों से मिले बिना रह नहीं पाऊँगा। इसलिए तुम लोगों को बताए बिना जा रहा हूँ। मैं चला गया तो क्या हुआ? हम जहाँ अक्सर बैठते थे, चाय की दुकान का बेंच, वाइन शॉप का हमारा वो अड्डा, हमारा पीछा करता हुआ ट्रैफिक पुलिस, हम लोग जहाँ मस्ती करते थे वो कॉलेज का पेड़, हमने जो जीता वो फुटबॉल की ट्रॉफी, ये सब मुझे याद दिलाता रहेगा। और जब भी वाइन शॉप में बियर पियो तो मेरे लिए एक गिलास जरूर निकाल देना। तुम लोग क्यों उदास हो रहे हो? वो अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो यहाँ से गया है। हम लोग उदास नहीं हो रहे, अगर उसको अच्छी लाइफ मिलेगी तो हमारे लिए ये खुशी की बात ही तो होगी। क्यों सही करो, चल यार चलते हैं। थैंक्स। ये हवाई जहाज का खाना और उस पे एयर होस्टेस का गाना। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। डडा 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 डडा। आपसे दोबारा मिलूंगा सोचा नहीं था। कैसे हैं आप? भाई मैं तो हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ, उसी काम से मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पर तुम कौन हो? एक साल पहले आपने इसी ट्रेन में सफर किया था ना? हाँ। और उस वक्त आपकी अंगूठी गुम हो गई थी, मैंने नीचे से उठाकर आपको दिया था, आपको याद है? मैं श्रीधर सर, जनवरी के महीने में आप इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आए थे, मैंने आपके हाथ से प्राइज भी लिया था। अरे हाँ, याद आया, उस दिन प्राइज लेते समय तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? कौन सी लड़की सर? जो लड़का तुमसे बिछड़ गया था वो तुम्हें याद करते हुए पूरे शहर में घूम रहा था, एड्रेस पूछने के लिए वो मेरे पास भी आया था और उसने बताया वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। कौन, श्रीधर? अरे हाँ भाई, प्रोग्राम के बाद वो लड़की स्टेज पर मिली थी, उसने बताया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, माइक पर अनाउंस भी किया था। उसका नाम क्या था? प्रीति, प्रीति। और वो मेन गेट पर तुमसे मिलने भी गई थी, तुम उससे मिले थे क्या?
आपने जैसा सोचा हमारी मुलाकात हुई। हम लोग एक दूसरे से जुड़े। मेरी फैमिली वालों ने उसे पसंद किया। उसकी फैमिली वालों को मैं पसंद भी थी। तो आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर, काम के लिए मैं फौरन जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच कर मेरी शादी होगी। वेरी गुड, अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में, मैं तुम्हारे लिए गाना जरूर गाऊंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, आता हूँ बेटी। कल शाम को 4 बजे तक चेन्नई पहुंच जाएगी। थैंक्स, आई एम प्रियंका एंड ही इज जानकी श्रीधर। इनका नाम प्रीति है। श्रीधर, फिर हमारी मुलाकात इस ट्रेन में ही होगी, ये कभी सोचा नहीं था। मैं भी इस तरह मिलूंगा कभी सोचा नहीं। एक्सक्यूज मी, बातों से तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो। कहा था जिंदगी में करके तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, ये वही है। इन्होंने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। इस बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल का है। मैं ओके नो 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 ओ ओ आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप एक बच्चे की माँ हैं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरे भैया का बेटा है। भैया ड्यूटी पर हैं और भाभी काम पर हैं, इसलिए ये मेरे साथ है। वो दोनों तो मुंबई में है पर इसके दादा दादी इसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? इंडिया में तो काफी जल्दी शादी हो जाती है ना, कोई लव अफेयर वगैरह कुछ नहीं? कुछ ऐसा ही समझो। आपकी शादी फिक्स हो गई थी ना, आप मुंबई गई थी। तेरे पापा हमेशा से ऐसे ही है, बहुत जल्दबाजी करते हैं। लास्ट टाइम पर एसी नहीं है कहकर सेकंड क्लास में टिकट करवा दी। बहुत स्वेटिंग हो रही है, मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। शादी शादी कहकर तेरे पापा बहुत उछल रहे थे ना, अगर तू कल को चली गई तो प्रीति प्रीति करके वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मम्मी! प्रीति प्रीति बेटी की जिंदगी खराब ना हो इसलिए मैंने शादी करने में जल्दबाजी की।
और अब लग रहा है कि हमारी बेटी हम सबको छोड़कर चली जाएगी। बेटी कभी बोझ हो सकती है क्या? चाहे कितने भी साल हो जाए, ये हमारे साथ ही रहेगी। उस रूम का क्या हुआ? संभल के, I'll be back। वैसे तुम्हारा बच्चा नहीं है? क्या कहा? बच्चा? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। Excuse me। Thanks। तो फिर श्रीधर, आपने जो मेरे बारे में सोचा, मैंने भी आपके बारे में वही सोचा था। एक्चुअली हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसने जब से ज्वाइन किया है ना, मैंने काफी ट्राई किया पर कोई बात बनी ही नहीं। किसी लड़की से उसने बहुत प्यार किया था, उसकी शादी हो गई, फिर भी ये उसे भूल नहीं पाया। वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करता है। मैंने सोचा है मैं किसी भी तरह से उसकी दीदी को मना लूंगी और इससे शादी करके रहूंगी। यही सोचकर तो इंडिया आई हूँ। थैंक्स अ लॉट। हाँ, सॉरी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे भाई साहब जल्दी करो ना, एक मिनट साहब, अभी बात है। अरे जल्दी करो, ट्रेन चली जाएगी। जी बस रुकिए, फिर हो गया। इस उम्मीद से तुमने अपनी शादी को ठुकराया, मेरे लिए वेट किया। तुमने जैसे उम्मीद के साथ मुझे ढूंढा, मेरा इंतजार किया, बस उसी उम्मीद के साथ। जैसे उम्मीदें नहीं टूटती, उसी तरह दिल में जो होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते।